सर आपने जो वादा किया था तमाम परियोजना को जोड़ने का, आपने वो वादा पूरा किया है तो प्रदेश के हित में और किसानों के हित में। पूर्वी राजस्थान के पेयजल और पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के निमित्त स्वर्गीय अटल जी के समय में जिस परियोजना की परिकल्पना की गई थी पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच सहमति न कर बन पाने के कारण से वो परियोजना स्थगित कर दिया गया। बाद में वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई को लेकर के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की कल्पना की गई, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से और अशोक गहलोत सरकार की हठधर्मिता के चलते हुए वो भी सिरे नहीं चढ़ पाए, क्योंकि अशोक गहलोत साहब इसको राजनीतिक गोटी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार उसको लेकर के राजनीतिक टिप्पणियां करते थे, राजनीतिक लाभ के लिए टिप्पणियां करते थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से उस समय निवेदन किया था तो उन्होंने कहा कि कहीं भी रुकने की से समाधान नहीं होता, इससे आगे सोचने के विषय है। हमने पूरे देश भर के ऐसे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट और इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के इंजीनियर्स को साथ बिठा करके कालीसिंध पार्वती चंबल परियोजना और ईआरसीपी दोनों को इंटीग्रेट करके एक नदी जोड़ने की परियोजना जिससे दोनों राज्यों को लाभ हो सके, इसका इस पर विचार किया था। जैसा मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की कमेटी बनाई हुई, उस कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया था और इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स के बीच के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, और ILR कमेटी ने इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में सम्मिलित करते हुए इसको प्रायोरिटी लिंक जो प्राथमिकता के साथ में करेंगे देश में उसके रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय भी हमने अधिकारियों के स्तर पर चर्चा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि पॉलिटिकली सरकार इसको नहीं करना चाहती थी अशोक गहलोत सरकार, इसके चलते हुए अधिकारियों के स्तर पर सहमति बन जाने के बावजूद भी ये नहीं बन हो पा रही थी। दोनों राज्यों की सरकारें बदली और मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि अशोक गहलोत साहब जिस तरह से प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे और जिस तरह से सूखी हुई धरती और किसान की अपेक्षाओं के ऊपर अब राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको एक चारे के रूप में गुटी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये पाप है और इस पाप का दंश उनको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जनता ने उनको पाप की सजा दी और जैसा मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम पहली कैबिनेट के साथ में इसको पूरा करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी, ये दोनों साथ बैठे थे अधिकारियों के साथ बैठ करके, इसमें जितने भी बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव करके हमने कल उस परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से इन 13 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी गंगा के रूप में तो होगी, लेकिन साथ साथ में वहाँ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। सर पूर्वी राजस्थान